चारपाई खटिया पर पति को लिटाकर पहुंची पत्नी, ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुए घायल, अब मुकर रहा इलाज कराने से ट्रैक्टर चालक। शिवपुरी में एक दुर्घटना में घायल हुए युवक को उसके परिजन चारपाई पर लिटाकर एसपी ऑफिस पर पहुंचे, जहां उन्होंने मदद की गुहार के साथ साथ शिकायत भी दर्ज कराई। सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की पत्नी का कहना है कि वाहन मालिक ने उसके पति का पूरा उपचार कराने का आश्वासन दिया था, इसी वजह से हमने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ये गरीब परिवार से है, उसके पास कमाने का भी कोई भी जरिया नहीं है, वो जरिया था वह चारपाई पर महीनों से लेटा हुआ। इसी के शिकायत को लेकर आज वह एसपी ऑफिस पहुंची और मदद की गुहार लगाई। अनीता राठौर, कहाँ रहती हूँ? सजाई जुको ने आपके घायल पति, क्या घटनाक्रम हुआ था और आज एसपी ऑफिस उनको खटिया में डाल के लाए हो आप? साहब हमारे पास का जसमन केवट है, वो पल्ली खाली कराने ले गया था ट्रैक्टर पे, तो उसने जान मान के ट्रैक्टर पलट दिया, तो मेरे आदमी को नीचे दाब दिया है। अब कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सीधी ना ही है इलाज की। तो एफआईआर नहीं कराई आपने? एफआईआर कराई है, फिर कोई नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुन रहा है हमारी। अच्छा, तो इलाज मिलाज की भी बोला था? इलाज की साफ मना कर दी कि मेरे पास नहीं आप पैसे, इलाज में नहीं करा। कोई रंजिश वगैरह उससे? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। फिर क्यों पलटाया? बस मालूम नहीं कब की दुश्मनी आई, बजाई बाने हमसे, घर से सोच जगा लेगा, हाथ पकड़ कर लेगा कि चल मेरी पल्ली खाली करा के यार, तो मैं पुड़िया खवाऊंगा, तो मैं क्वार्टर पवाऊंगा, साहब जाने ले जाकर पचाओ लगा पर ट्रैक्टर पलट दो, बस ट्रैक्टर पलट गया, गैर हो सा हुआ यार 8 दिन में उसमें आए। उसको नहीं लगी क्या? उसको सफाई नहीं लगी। दो ड्राइवर है तो जसमान हो जी बैठ हो, तो बस जा सपा दाब दबान है और बात सफाई नहीं लगी। तो कब हुआ था हादसा? आज से वो हुआ था 5 अप्रैल को, पाँच अप्रैल को, और बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है हमारी कहीं से कहीं तक भी।